आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में। हाई स्कूल अपडेट की बात करें तो नीमच में 14 फरवरी को पुलवामा में कायराना हमले में देश के वीर जवानों ने शहादत दी, जिस पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मीनाक्षी यादव के नेतृत्व में भारत माता चौराहे पर बड़ी संख्या में टीम के सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, साथ ही हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूं। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मीनाक्षी यादव ने बताया कि भारत माता चौराहे पर शहीद जवानों की शहादत को याद किया और 101 दीपक जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नीमच जिला प्रभारी आशा शर्मा ने कहा कि टीम के सदस्यों द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान 40 जवानों की आज तीसरी बरसी पर सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि दी और वैलेंटाइन डे का विरोध किया। नगर अध्यक्ष दीपा कनिक ने बताया कि आज का दिन नमो ग्रुप द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया और जवानों की शहादत को नमन कर 2 मिनट के मौन के साथ श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नीमच ताई कमांडो के जयप्रकाश लोधा, उज्जैन संभाग प्रभारी रोहित शर्मा, नीमच जिला प्रभारी जमनलाल अहिर, जिला महामंत्री गणपत सिंह राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी राहुल राठौर, नगर अध्यक्ष योगेश बामनिया, जिरन तहसील अध्यक्ष विनोद पाटीदार, नीमच तहसील अध्यक्ष राहुल गुर्जर, भाजपा पिछड़ा मोर्चा उपाध्यक्ष पवन बैरागी, नमो ग्रुप महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आशा कुंगर, नगर महामंत्री निहाब, आईटी सेल प्रभारी अजय जयसवाल, नगर सह मीडिया प्रभारी हार्दिक चौधरी, अभय राज तंवर, शुभम नामदेव, पंकज सरगरा, भगत गुर्जर, डिम्पी गोयल, पूनम लोधा, रितुल झांकर, आकाश जेवरिया, नामिता बंसल आदि उपस्थित थे। ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।